हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड शेयर का रिजल्ट आ चुका है एंड फ्रेंड्स डिविडेंड भी अनाउंस हो गया है। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड जानते हैं कैसा रिजल्ट आया है। सो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, तो सीधा आपको बता देती हूँ कि क्या रेवेन्यू आया है, क्या एक्सपेंसेस हैं एंड क्या प्रॉफिट आया है कंपनी का। सो फ्रेंड्स, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है एंड प्रॉफिट ही आया है एंड कंपनी ने इस बार अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी दिया है। एक पैनी स्टॉक है और अगर एक पैनी स्टॉक आपको डिविडेंड दे रहा है तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। सो चलिए फ्रेंड्स सीधा डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट। टोटल इनकम देखिए फ्रेंड्स, जून क्वार्टर की आई है 5,438 लाख, मार्च क्वार्टर में थी 6,393 लाख एंड जो लास्ट ईयर जून में थी 5,259 लाख। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन फ्रेंड्स रेवेन्यू बढ़ा है बट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सपेंसेस देखिए, 4,941 लाख के एक्सपेंसेस आए हैं जो पिछले क्वार्टर में थे 5,824 लाख के और उससे पिछले थे 4,543 लाख के। तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन थोड़े से बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स अब मेन चीज जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आया है 386 लाख का जो मार्च क्वार्टर में था 475 लाख का, तो थोड़ा कम हुआ है एंड लास्ट ईयर में था 539 लाख का, तो वहां से भी कम हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस रिजल्ट को आप एक थोड़ा सा कंसिस्टेंस रिजल्ट कहेंगे क्योंकि नियर बाय सेम रिजल्ट आ रहा है। एवरी क्वार्टर थोड़ा सा डिफरेंस है बस नियर बाय सेम रिजल्ट है। सो आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट आया है 300 समथिंग का। सो फ्रेंड अब जानते हैं कि डिविडेंड क्या अनाउंस हुआ है, बिकॉज डिविडेंड भी अनाउंस किया है कंपनी ने और एक पैनी स्टॉक है और डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो जानते हैं कि कैसा डिविडेंड है फ्रेंड्स। अब ये रिजल्ट आया है तो हमें मंडे में एक अच्छा, डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देखने को जरूर मिल सकता है एंड फ्रेंड्स डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है, तो मैं आपको बता दूंगी कि डिविडेंड कब आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अभी तो अनाउंस ही किया है कंपनी ने, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक वो एक डेट बताएंगे जिस दिन डिविडेंड को रिलीज किया जाएगा, तो जिस आती है वो डेट भी मैं आपको बता दूंगी। दिस इज द डॉक्यूमेंट जिसमें इन्होंने डिविडेंड को अनाउंस किया है, तो स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं फ्रेंड्स। 0.03 पैसे पर शेयर। तो फ्रेंड इन्होंने जो कंपनी हैज रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 0.03% पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच ऑफ द ईयर 2021-22। तो फ्रेंड्स 0.03 पर शेयर आपको मिलेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए आपके पास कितने शेयर्स हैं। सो किस डेट को रिलीज होगा वो डेट अभी आ जाएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी, बट आपको ये पता होना चाहिए कि 0.03 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। फ्रेंड्स अभी कम है बट अगर कोई पैनी स्टॉक की कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो अच्छी चीज़ है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है एंड प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को भी इसमें इंक्रीज किया है। सो आई होप आप रिजल्ट समझ गए होंगे। थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन थोड़ा सा प्रॉफिट कम आया है बट एक और चीज़ आई है, डिविडेंड भी आ गया है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।